बड़ी जोर से मारती है ये, बड़ी जोर से मारती है ये। और ये हमारी टिक्कियां बड़ी जबरदस्त किस्म की, उन्होंने कच्चे केमे की टिक्की है और बिस्किट। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्लाह के फजलो करम से मैं बेहतर हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बेहतर होंगे। हमेशा खुश रहे, आबाद रहे और सलामत रहे। व्यूवर्स, एक छोटा सा मैं आपसे, वैसे तो मैं सोच रही थी क्या मैं आपके लिए कोई अच्छा सा मैं बनाऊं व्लॉग, लेकिन अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। ये एक बाबा जी हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी बोलो। मैं नबीला बन्ना, मैं तेरी मदद करूं। मैं 30 साल से नजर बंद है, थादा अम्मा भी फौत हो जाए, अब्बा भी फौत हो जाए, बहन भरा कोई नहीं, मैं कल ही आ मैं अल्लाह रहा जी। व्यूअर्स, बाबा जी आए हैं, उन्होंने दरवाजा नॉक किया और मुझे कहते हैं कि आप ब्लॉग बना रही हैं और मैं देखता हूँ कि आप सुनता हूँ लोगों से। उन्होंने देख नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, बहुत ऊंचा मैं तताई बू होते बैठा ना, तताई बू होते ठंडे रोटी तताई तताई उतरते वो तताला धरना। हाँ जी बाबा जी बता रहे हैं अपने मतलब मुझे जो उन्होंने बताया, क्योंकि बहुत ऊंचा मेरा बेटा इनसे बात करके उन्होंने पूछा बाबा जी क्या मसला है। उन्होंने बताया कि एक तो मैं ना देख सकता हूँ ना सुन सकता हूँ, ना मेरा कोई आगे है ना पीछे, ना कमाने का कोई जरिया है, और मैं कभी किसी से बैठ के कोई रोटी शोटी खा लेता हूँ, कभी किसी कोई मेरी मदद कर देता हूँ। तो आप कोशिश करें अपने मामा से बोले कि मुझे भी ब्लॉग में लें और लोगों से अपील करें मेरी हेल्प के लिए। अल्लाह ताला ने लोगों को बहुत दिया है और अल्लाह ने लोगों को बड़ा खुला हाथ और खुला दिल भी दिया है। हो सकता है अगर कोई शख्स अल्लाह का बंदा मेरी मदद करना चाहे तो आप अपनी मामा से बोलें कि मुझे जरूर मेरी अपील उन तक पहुंचाए। तो इसलिए मैंने उनसे बात की है और बाबा जी जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरी मदद की जाए और मैं बिल्कुल बेआसरा हूँ, मेरी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं अल्लाह की जात के सिवा। तो व्यूअर्स, एक बार फिर बाबा जी से बात करते हैं। जी बाबा जी बताए ने बेटा। चलो बाबा जी, मेरा मदद करो, मैं गरीब बंदा, मैं माँ प्यो को भैन भरा को कलम कला, मैं तो दाइचे तो रोची ठंडा, तो दाइचे की बुआ तो मैं ठंडा जी, अल्लाह हथ रही है जी बाबा। कोई मैंने चाचा मामा बा है ही कोई, मैं कल ही आना भैन भरा को मैं गरीब बंदा जी। बाबा जी कह रहे हैं कि मैं मदद करो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरी आप मदद करें। मैंने बाबा जी से बताया है कि मैंने आपका मैसेज पहुंचा दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आप बार बार, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी हेल्प की जाए, मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत बेबस हूँ। ओए नहीं काटो भैया आप। तो बाबा जी के लिए अपील है आप लोगों से कि जो अल्लाह की राह पे देना चाहते हैं और इस तरीके से देना चाहते हैं, जो दाएं हाथ से बाएं हाथ को खबर ना हो, मेरे अल्लाह का हुक्म है कि सफेद पोश लोग ढूंढें और उन तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे माल में हिस्सा है इन लोगों का जिन्हें अल्लाह ने साहब हैसियत किया है। और आप फिक्र नहीं करें, आपका दिया हुआ जाया नहीं होगा और जो कुछ हमें इनके लिए दिया जाएगा या किसी की भी मदद करने के लिए, बहुत सारे मैंने देखा है कि अभी तो मैंने बिल्कुल छोटी सी यूट्यूबर थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, तो बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, बीमार भी मिलते हैं, तो वो कहते हैं प्लीज हमारा पैगाम पहुंचाएं कि कोई हमारी मदद करे। तो अगर आप देते हैं तो हम आपका नाम लेके और जो अमाउंट आप भेजेंगे वो आपकी आंखों के सामने हम देंगे, जो भी मुस्तैक होगा। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हैं और अल्लाह की राह में देने के लिए कोशिश करें, दिल अपना खुला रखें, तो अल्लाह बेहतर करे हम सबके लिए। बस मैं जरा आई थी बाहर, मैंने कहा स्टोर से मैंने कुछ सामान लेना था, तो मैं जरा चलती हूँ उधर और मैं अंदर से जाते हुए मैं आपको थोड़ा सा अपने पीछे का व्यू और गाँव भी दिखाती जाऊँ। सकते हैं बहुत ऊंची सी घाटी है, तो उस पर बाइक नहीं जा रही, तो मैं खुद ऐसे उतर के जा रही में। बड़ी बड़ी बत्तखें सी, ये मेरी दोस्त नहीं है, वाकफ का नहीं है, और मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए आई हूँ। और बस मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने कहा बड़ी क्यूट है और बड़ी जोर से मारती है ये, बड़ी जोर से मारती है ये।
पर देखो कितने कितने बड़े हैं पास पे। शाम हो रही है और माशाल्लाह शाम का मंजर मैंने आपको आगे भी कई मरतबा दिखाया है, और मैं एक दरख्त के नीचे खड़ी हूँ जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने वो हल्की फुल्की सी पिंक बनाई हुई है और वो बड़े मज़े से इंजॉय करते हैं, और मैंने कहा मैं जाते जाते आपको ये पिंक भी दिखाती जाऊँ और शाम का मंजर भी दिखाऊँ। मैं क्रिसमस स्टोर पे आ चुकी हूँ तो मुझे चाय के लिए कुछ सामान चाहिए, बिस्किट वगैरह चाहिए, तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ मैं से कौन सी बिस्किट हूँ। मैं देख रही हूँ यहाँ पे सब पसंद करता है, वो ऑडियो ज़्यादा पसंद करता है, तो मैं उसके लिए ऑडियो बिस्किट लूँगी। और तो मैंने आपसे बताया था कि मुझे चाय वगैरह का सामान लेना है, तो मैंने ये लिया है क्योंकि आजकल जो घंटे दूध नहीं दे रही है, गर्मियों की वजह से चारा कम हो जाता है, तो फिर मैं एवरीडे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा चाय चाहे तो इसके अलावा चाय के अलावा जो है वो कॉफ़ी वगैरह किसी टाइम दिल करता है तो बंदा बना लेता है, तो बस मेरी शॉपिंग कितनी तो नहीं, बस अभी मैं शॉपर में डलवा रही हूँ। हमने चाय के साथ बिस्किट वगैरह से ले लिया, हम कह रहे हैं कि साथ हम इसके पीने की गर्म गर्म टिक्कियाँ तैयार हो रही थी, तो वो भी हमने और आपको दिखाएं। व्यूअर्स देखें हमारी चाय शाय तैयार हो गई है, हमने आपको बताया था कि हम ये चाय शाय का हम लेके लेने जा रहे हैं सामान, और ये हमारी टिक्कियाँ बड़ी जबरदस्त किस्म की, उन्होंने कच्चे कीमे की टिक्की है और बिस्किट। अच्छा भी बस हमने ये तो एक बहाना ही होता है, बस चाय शाय पी ली और एक साथ बैठ के, मतलब असल ये होता है कि हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, सबसे पहले तो उस रब ताला का शुक्रिया जिसने हमें ये जिंदगी और ये सांस अता की है, और उसके बाद हम जीना सीखें। हम ये जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हम एक अपनी मुसीबत और बोझ समझ के और जरा सी परेशानी आ जाती है, हम कहते हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हम तो मर गए, हम तो ये हो गया, हम तो वो हो गया, और दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और इस कदर जिंदगी से बेजार, और बस हमारा दिल करता है कि बस अपनी जिंदगी का खात्मा कर लें। देखें इस तरह नहीं होता, सबसे पहले मेरे रब का बार बार शुक्र अदा करें जिसने हमें नेमतें अता की, सबसे बड़ी हमें जिंदगी अता की, और आप जिंदगी को गुजारना नहीं जीना सीखें। मुझे भी बहुत देर बाद जीना आया, और मैंने भी इसे देखा जब अपने रब ताला की कुदरत की नेमतें, और मैं सुभान अल्लाह उस रब का शुक्र अदा करती हूँ और माफ़ी तलब करती हूँ जो मुझसे गलतियाँ खताएं हुई हैं। और मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करूँगी कि हर वक्त अपने रब ताला से माफ़ी तलब करें, तौबा के लिए अल्लाह के आगे हर वक्त अपने हाथ बुलंद रखें, और मेरा रब गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। और इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, और जो कोई बंदा मजबूर अगर आ जाता है मुझे कहता है कि बाजी अब मुझे ब्लॉग में दिखाएं, तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ जी, मैं इनकी बड़ी हमदर्द हूँ, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, ना इतना हम किसी के लिए कर सकते हैं। ये ज़रूर कर सकते हैं कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, और जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी, और जो आप लोगों से हो सकेगा अगर आप करेंगे तो ये बड़ा बेहतर होगा उसके लिए भी, और ये मैं आपको दिखाऊँगी सारा कुछ कि जो भी कोई किसी को किसी की मदद करेगा हम वो बिल्कुल दिखाएंगे, और हक का उस बंदे का जो हकदार तक हम पहुंचाएंगे। तो इसके साथ ही मैं व्यूअर्स अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, और आपसे उम्मीद रखती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मेरे इस सफर में मेरा साथ दें, और मेरे कंटेंट और जो कुछ मैं बना रही हूँ मुझे खुद समझ नहीं आता ना, बस जो मैं देखती हूँ मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, और उम्मीद है आप लोग पसंद करते होंगे और मेरे साथ आगे भी साथ दें, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।